वेलकम टू लर्न यू एंड मी। पहले हम यह देखेंगे कि यूनिक फंक्शन की मदद से हम किसी लिस्ट में से या फिर रेंज में से यूनिक वैल्यूज को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये एक्सेल एक्सप्रेसशीट है, यहाँ पर मैं यूनिक लिखता हूँ, यूनिक टैब दबाता हूँ, उसके बाद मैं अपना रेंज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो नया जो लिस्ट तैयार हुआ यूनिक वैल्यूज का तैयार हुआ। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो था बनाना 2 टाइम्स था, ओरेंजेस 2 टाइम्स था, ठीक है। तो हमारे पास यूनिक लिस्ट तैयार हुआ। यहाँ पर अगर यूनिक फंक्शन में देखें तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स रहते हैं, सेकंड और थर्ड ऑप्शनल रहते हैं। सेकंड को अगर मैं ब्लैंक रखता हूँ, थर्ड को अगर मैं ट्रू करता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐसे ही वैल्यूज आए जो इस लिस्ट में एक ही बार रिपीट हुए थे, मतलब एक ही बार आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाइन एप्पल जो है इसका डुप्लीकेट नहीं आया है, कीवी का भी डुप्लीकेट नहीं आया है, एप्पल का देखिए डुप्लीकेट आया यहाँ पर, इसलिए एप्पल नहीं आया। ऑरेंज का भी देखो डुप्लीकेट आया, इसके लिए यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर जो एक ही बार काउंट में एक ही बार आया है उसका सबका ये वैल्यूज आया है। तो जैसा कि आपने देखा कि यूनिक फंक्शन की मदद से किस तरह से हम यूनिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये यूनिक फंक्शन जो है ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यह बताऊंगा कि विदाउट यूनिक फंक्शन की मदद से किस तरह से आप यूनिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यह जो है काफ़ी सिंपल मेथड है, विदाउट एरे का यूज़ किए, ठीक है। तो आप इसे किसी भी एक्सेल वर्जन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये लिस्ट है, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओरेंजेस ओरेंजेस 2 टाइम्स है, बनाना बनाना भी 2 टाइम्स है, ठीक है। एप्पल देखिए एप्पल एप्पल 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो जो वैल्यूज़ है इसको रिमूव डुप्लीकेट करके यूनिक वैल्यूज़ को आउटपुट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा ये देखिए ये कॉलम में है, इससे इसके पहले मैं 2 ब्लैंक कॉलम क्रिएट कर लूँगा। इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखिए हमारे पास ये 2 कॉलम क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रनिंग काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, रनिंग काउंट, ठीक है। रनिंग काउंट क्या करूँगा, काउंट इफ़ C2 इज C2। अब यहाँ पर हमारा जो C2 इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाइनएप्पल फर्स्ट टाइम आया है तो इसका फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिए बनाना 1 है, यहाँ पर देखिए एप्पल ये सेकंड टाइम आ रहा है, इधर फर्स्ट आया इधर सेकंड आया, तो ये रनिंग काउंट हो गया हमारा, ठीक है। तो रनिंग काउंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओरेंजेस ये सेकंड ओरेंजेस है, देखिए ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड आया, तो ये रनिंग काउंट होगा। यहाँ रनिंग काउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और लगाऊंगा जो क्या कैलकुलेट करेगा, जो ये नंबर 1 है इस रेंज में नंबर 1 है उसका रनिंग सम कैलकुलेट करेगा। तो रनिंग सम 1, तो सम इफ़ का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ़ हमें रनिंग सम कैलकुलेट करना है किसका, क्यों नंबर 1 का, सम इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, B2 to B में 1 के इक्वल होना चाहिए। इसको मैं B2 को फ्रीज कर दूंगा F4 दबाकर, ठीक है। तो अभी हमारा ये रनिंग सम तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ओरेंजेस और ओरेंजेस दोनों को 7 मिला है, एक यूनिक सीरियल नंबर मिल गया, ठीक है। अभी देखिए एप्पल जैसे कि बनाना हो गया, बनाना और कहाँ पर गया बनाना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो बनाना है इधर 4 मिला इधर 7 मिला, ठीक है। पर जो भी फर्स्ट नंबर है वो यूनिक नंबर रहेगा, ठीक है। दोनों में डुप्लीकेट में जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो यूनिक नंबर रहेगा, या फिर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। इफ़ दिस इज इक्वल टू 1 देन इसको सम करें, एल्स नथिंग, ठीक है। तो भी देखिए तो भी मेरे पास एक यूनिक सीरियल नंबर तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पर डुप्लीकेट को सीरियल नंबर नहीं मिला है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखूँगा, आप कितना भी सीरियल नंबर सकते हैं, 1, 2, 3 आपके हिसाब से। इसको मैं नीचे तक जहाँ तक हो सके आप ड्रैग डाउन करें, आपको लगता है कि यूनिक नंबर 10 से नीचे होगा तो आप 10 तक क्रिएट करें। उसके बाद यहाँ पर मैं यूनिक फ्रूट्स, ठीक है, यूनिक फ्रूट्स यहाँ पर जस्ट मैं इसको वी लुकअप मार दूँगा, वी लुकअप सीरियल नंबर, यहाँ पर हमारा टेबल रेंज हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं फ्रीज कर दूँगा, उसके बाद हमारे सी कॉलम मतलब थर्ड कॉलम का लुकअप करना है, उसके बाद हमें एग्जैक्ट लुकअप करना है फॉल्स। तो देखिए पाइनएप्पल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एन ए आ रहा है तो एन ए को दूर करने के लिए इफ एरर आप लगा सकते हो, इफ एरर अगर वी लुकअप में एन ए आ रहा है तो इसको पूरा नल से रिप्लेस कीजिए, ठीक है, नो वैल्यू। तो देखिए ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ का लिस्ट तैयार हो गया है। हमने ना तो कोई एरे फॉर्मूला का यूज़ किया जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमने केवल 2 हेल्पर कॉलम की मदद से सिंपली यूनिक लिस्ट का
रेंज तैयार किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिए ए ए लिखता हूँ, सपोज ए बी सी लिखता हूँ, ए बी सी, तो देखिए अपने आप ही अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं डी लिखता हूँ तो देखिए अपने आप ही अपडेट हो जा रहा है। इसको मैं कंट्रोल जेड फिर से कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर एक मैं डिमो बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पेश करता हूँ, डाटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम है लिस्ट, देखिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने देखा कि एक्सेल में यूनिक फार्मूला का यूज़ करके और विदाउट यूनिक फार्मूला का यूज़ करके किस तरह से हम यूनिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर रेंज में से। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।